हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरपीएफ एसआई ने दो वाहन चालकों से की मारपीट। एसआई व आरपीएफ के दो जवानों ने लोगों से भी किया अभद्र व्यवहार। समझाइश करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी की बदसलूकी। आक्रोशित लोगों ने आरपीएफ थाने में जमकर जताया विरोध। रेलवे व आरपीएफ उच्च अधिकारियों को दी गई जानकारी। देर रात को आरपीएफ एसआई का करवाया गया मेडिकल। आरपीएफ एसआई ने पार्किंग को लेकर कल रात को दो युवकों से मारपीट कर दी। साथ ही आरपीएफ थाने से जवानों को बुलाया गया, जिसके चलते दो जवानों ने भी मौके पर मौजूद दोनों युवकों व लोगों से अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की की। सूचना पर मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी एसआई ने अभद्र व्यवहार किया, अश्लील भाषा का प्रयोग किया। लोगों ने एसआई के शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ते देख आईपीएफ मौके पर पहुंचे। साथ ही लोगों की ओर से रेलवे व आरपीएफ के उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। देर रात को आरपीएफ एसआई का राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। इसके बाद उन्हें अग्रिम जाँच के लिए उदयपुर रवाना कर दिया गया। रेलवे पार्किंग में टैक्सी कार चालक फिरोज खान पहुंचे। कार में बैठे लोगों को नीचे उतारने लगे। इसी दौरान वहां आरपीएफ एसआई संदीप कुमार पहुंचे। कार चालक फिरोज से उलझ गए। कार चालक ने कहा कि उन्होंने पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा किया है, लेकिन आरपीएफ एसआई नहीं माने। इसी दौरान वहां बाइक से पहुंचे अपने मित्र से बात कर रहे हैं पार्षद सुमित जोशी के साथ भी उलझ गए। वर्दी का रुआब दिखाते हुए आरपीएफ एसआई आपे से बाहर हो गए। मौके पर मजमा लग गया। आरपीएफ एसआई ने समीप ही स्थित आरपीएफ थाने से आरपीएफ जवानों को बुला लिया। लोगों को आरपीएफ एसआई के नशे में धुत होने का पता चला। मामले की जानकारी मिलने पर मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन सुरूर पर सवार एसआई मीडिया कर्मी से उलझ पड़े। अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार पर उतर आया। दोनों युवकों को आरपीएफ थाने ले जाएगा, जहां लोगों का मजमा भी पीछे पीछे थाने पहुंच गया। इसी दौरान आरपीएफ एसआई में दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं दो आरपीएफ कर्मी अभद्रता पर उतर आए, धक्का मुक्की करने लगे। इससे थाना में ही हंगामा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एसआई की ओर से मारपीट करने का विरोध किया। हंगामा बढ़ते देख दोनों आरपीएफ कर्मी वहां से चुपचाप खिसक गए। करीब आधे घंटे तक थाना परिसर में हंगामा होता रहा। मौके पर पहुंचे आरपीएफ निरीक्षक रणवीर सिंह सिराग व अन्य आरपीएफ कर्मियों ने समझाइश के प्रयास किए, लेकिन आक्रोशित लोग एसआई का मेडिकल करवाने की मांग पर अड़ गए। वहीं पूरे मामले की लिखित में शिकायत की गई। लोगों के विरोध के चलते देर रात को एसआई व पीड़ित फिरोज को मेडिकल करवाने के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर पीएन गुप्ता ने एसआई का मेडिकल किया। अग्रिम जांच के लिए उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। मौके की नजाकत को देखते हुए आरपीएफ निरीक्षक ने उन्हें अग्रिम जांच के लिए उदयपुर रवाना कर दिया। उच्च अधिकारियों को दी जानकारी। आरपीएफ अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार व अभद्र व्यवहार के बारे में डीआरएम आरपीएफ के डीएससी को ट्वीट किया गया। पूरे मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद हरकत में आए रेलवे व आरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले में पीड़ित फिरोज खान की ओर से देर रात को जीआरपी थाने में पूरे मामले की तहरीर दी गई। वहीं आरपीएफ की ओर से जीआरपी थाने में एफआईआर दी गई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर पीएन गुप्ता चिकित्सक राजकीय चिकित्सालय आबू रोड, इन्होंने ये कहा। संदीप कुमार, सोनम ठाकर राम, ठाकर सिंह 27 ईयर ओल्ड, 5 बंगला आबू रोड के रहने वाले हैं। इनको शराब संबंधित मेडिकल के लिए लाया गया था और इनका शराब संबंधित मेडिकल करके और ब्लड सैंपल कलेक्ट करके और एफएसएल उदयपुर को भेजा जा रहा है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ये लगता है कि स्मेल ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।